तो क्या हाल चाल है सभी के। स्वागत है आप सबका कारपेंटर की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में ये सामने आप देख सकते हैं वार्डरोब बनाइए, तो इसका मतलब साइज वगैरह, मटेरियल और लेमिनेट, मतलब सब चीज की जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। साइज इसका पूरा, हमने ये जो फॉल सीलिंग है यहाँ तक रखी है, ये जमीन से मतलब फर्श से लेके फॉल सीलिंग तक 115 इंच है, और जो ये इस वाले बॉक्स की चौड़ाई है 90 इंच है, और ये 30 इंच चौड़ाई के साइड में इसका बॉक्स दिया है। सामने की तरफ ये बाथरूम है, तो यहाँ से मतलब बाथरूम का जो ये डोर है, यहाँ इसके ऊपर ही हमने बॉक्स दे दिया है। 35 इंच इसकी हाइट रखी है और 30 इंच इसकी चौड़ाई है बॉक्स की। नीचे के जो सिंगल डोर है ये 6.5 फीट का, मतलब एक कैबिनेट एक पोर्शन ने पूरा दिया है, उसके ऊपर ये 35 इंच का पूरा पोर्शन मतलब पूरा एक कैबिनेट दे दिया है। और गहराई की बात कर लेते हैं। गहराई हमने इसकी 22 इंच रखी है और 1 इंच ये डोर, मतलब टोटल जो इसकी गहराई है लगभग 23.5 इंच आपको मिल जाती है। 4 डोर हमने इसमें फ्रंट में दिए हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 ये इस तरफ है, और इसी तरह सेम सिमेट्री में ऊपर की तरफ 4 डोर दिए हैं। इस वाले में हमने सिंगल डोर दिया है। अंदर का आपको पोर्शन दिखाते हैं, तो अंदर का ये पोर्शन कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये 42 इंच का आपको ये खाना, ये पोर्शन पूरा मिल जाता है कपड़े वगैरह, ब्लेजर कोट वगैरह टांगने के लिए। उसके बाद ये 2 ड्रॉर दिए हैं, ये हिडन ड्रॉर हैं, और इसके नीचे एक हमने ये पूरा पोर्शन छोड़ दिया है। ये जो शेल्फ दिया है ये फोल्डेबल है, आप चाहें तो इसे मतलब पूरे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें फ्रंट की तरफ एक लॉक दिया है, सेम जो है इधर का भी हमने पोर्शन रखा है, बस इसमें आपको ये अलग से एक हमने छोटे सामान के लिए आपको ये पोर्शन मिल जाता है। ये वाला 42 इंच का सेम साइज मिलता है आपको इस ब्लेजर ये कोट वगैरह टांगने के लिए। उसके बाद ये साइड में ये आपको 19 इंच का मिल जाता है, 24 इंच का ये जो है चौड़ाई में पोर्शन मिलता है, 19 इंच का ये वाला मिलता है। 2 हमने ये ड्रॉर दिए हैं नीचे की तरफ इसमें, और इन दोनों ड्रॉर में और जो उस तरफ हिडन ड्रॉर हैं उनमें हमने फ्रंट में जो है लॉक दे दिया है, मतलब उन ड्रॉर में भी और इस वाले ड्रॉर में भी हमने लॉक दे दिए हैं। सामने इनमें हमने प्रोफाइल हैंडल दिए हैं, और नीचे का ये पोर्शन जो है सेम आपको उसके हिसाब से ही हमने दिया है, ये भी फोल्डेबल है, आप चाहें तो इसे पूरे बड़े पोर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी हमने फ्रंट की तरफ एक लॉक दिया है। अब ऊपर की बात कर लेते हैं, अब ऊपर के जो पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं। इस तरफ ये जैसे कि मैंने बताया 33 इंच इसकी टोटल हाइट रखी है, और इसमें भी हमने ये फोल्डेबल शेल्फ दिया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको पूरे बड़े पोर्शन के रूप में, बड़े खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे फोल्डेबल शेल्फ दिया है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने फोल्डेबल इसमें शेल्फ दिया है। अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज में हमने इसमें अल बिहारी कब्जे इस्तेमाल किए हैं डोर सेट के। हैंडल्स में हमने ये आप देख सकते हैं रोज गोल्ड कलर में हैंडल जो है इस्तेमाल किए हैं, ऊपर की तरफ 6 इंच के और नीचे की तरफ आपको 12 इंच के हैंडल देखने को मिलेंगे। फ्रंट में इन दोनों डोर में हमने लॉक दे दिया है, और ये फ्रंट की तरफ जो ये नीचे के डोर हैं इनमें हमने ये टी स्ट्रिप दी है कटर से खांचा मार के, जो टी स्ट्रिप डलती है ये वाली छोटी स्ट्रिप इसके हाफ में, और ये पूरी लंबी 6.5 फीट की स्ट्रिप दी है। इस तरह करके हमने ये पैटर्न दिया है। नीचे की तरफ हमने 4 इंच की स्कर्टिंग छोड़ दी है, और ये 1 इंच अंदर रखी है। जो ड्रॉर के जो चैनल है वो हमने हैंडवेयर के इसमें इस्तेमाल किए हैं, और मटेरियल में हमने रेडोन की 18mm की प्लाई का इस्तेमाल किया है, और अंदर की तरफ 0.8 की ऑफ वाइट शीट का इस्तेमाल किया है SF में या मैट में, और फ्रंट की साइड हमने PVC शीट का इस्तेमाल किया है 1mm थिकनेस में। ये ग्लोसी शीट है मेटेलिक में, तो ये हमने इस तरह से बनाई है। तो कैसी कि ये अलमारी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।